गाज़ियाबाद में कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए महजबी पहुँची हैं महजबी बिग बॉस 11 के कंटेस्टेंट हैं साथ में उनके हैं वसीम वसीम के कई सॉन्ग्स आप सभी पसंद कर रहे हैं और लगातार उनको काफ़ी फॉलोइंग भी मिल रही है हमारे साथ मौजूद हैं महजबी और वसीम पहले बात कर लेते हैं महजबी से बहुत बहुत स्वागत आपका प्राइम न्यूज़ पर महजबी आप इलेवन बिग बॉस इलेवन में रही हैं कैसा एक्सपीरियंस रहा है वो तो मैं क्या ही बताऊँ आपको एक्सपीरियंस तो बहुत ही जबरदस्त था आपको तो पता है सलमान खान से कौन नहीं मिलना चाहता बिग बॉस में कौन नहीं जाना चाहता पर जाता वही है जो लगन और मेहनत और किस्मत उसको पहुंचा देती है मानते हैं बिल्कुल बिल्कुल मैं किस्मत को बहुत मानता हूँ लोग बहुत ज्यादा जाना चाहते हैं बहुत सारे लोग देखते हैं टकटकी लगा कर के बिग बॉस में अब आगे क्या होगा हाँ बिल्कुल लोगों को ज्यादातर लगता है कि कुछ चीजें फिक्स होती हैं या फिर ये सब कराया जाता है ऐसा कुछ नहीं है सब नॉर्मल नेचुरली होता है जो टास्क वगैरह मिलते हैं उसकी वजह से वो सब सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो बट ऐसा तो कुछ बनावटी कुछ नहीं होता सब रियल ही होता है टास्क आपने किया था कोई। हाँ मैंने बहुत सारे टास्क किए थे इवन मेरे ऊपर बर्फ का पानी डाला था उससे तो मैं आज तक मेरी तबीयत ही ठीक नहीं है हमें याद है बर्फ का पानी भी डाला गया था तो उस दौरान ये जो एक्सपीरियंस है लाइव एक्सपीरियंस कैसा रहा था बहुत क्योंकि बाहर से मैं भी जब एज अ व्यूअर देखती थी तो मुझे भी लगता था कि यार ठीक है मतलब टास्क वास्क होते होंगे ऐसा कुछ कर देते होंगे बना के स्टोरी की तरह ऐसा कुछ ही नहीं था कि मतलब इतना रियल ही सच में होता है क्योंकि उन्होंने रियल में ही बर्फ और इतनी सारी आइस मेरे सर पे डाली तो थोड़ी देर, थी देर थी के लिए बिग बॉस में जाएंगी कॉल आएगा <laughs> नहीं बस अचानक से ही हुआ जो भी हुआ ना वो सब अचानक से ही हुआ अच्छा लगा बिल्कुल वसीम भी हमारे साथ है वसीम से बात कर लेते हैं वसीम एक जाने माना नाम है वसीम यंगस्टर के लिए क्या कहना चाहेंगे गाने पसंद कर रहे हैं लोग फॉलोइंग बढ़ गई आपकी क्या कहेंगे सबसे पहले मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा अपनी सारी ऑडियंस को जो मुझे लाइक करते हैं मुझे पसंद करते हैं इंस्टाग्राम पे स्पेशली थैंक कहना चाहता हूँ लोगों के लिए जो इंस्टाग्राम पे मुझे बहुत तेज़ी से फॉलो कर रहे हैं वसीम शेख सेवन वन नाइन थ्री के नाम से मेरी इंस्टाग्राम आईडी है आप भी जरूर देखना और मुझे पता है वसीम जी सर जी सर जिनको नहीं पता मैं उनके लिए बता रहा हूँ सर सो so, मेरे जैसे कि तीन सॉन्ग्स आ चुके हैं एक सोनी म्यूजिक से दो टी सीरीज कंपनी से हैं पहला सॉन्ग था डैडी बोले उसके बाद आया वूफर वूफर फिर आया के दिखा दे जो कि सपना चौधरी के साथ था सपना सपना एक अपने आप में नाम है वो नाम जिसके साथ में सभी फोटो क्लिक कराना चाहते हैं उनके गाने सुनना चाहते हैं फॉलोइंग देहात में तो बहुत ज्यादा थी अब तो शहर में भी पसंद कर जी बिल्कुल बिल्कुल और हमने इसीलिए सपना चौधरी को अपने गाने में लिया था जिसका नाम था के दिखा दे तो हमने सोचा था सपना के साथ कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं देसी लुक में तो बहुत देख लिया लोग आप आप जब वो सॉन्ग देखेंगे तो आपको देखेगा कि सपना का एक बिल्कुल ही अर्बन लुक है उसके अंदर एक डिफरेंट लुक है आपको बहुत मॉडर्न नजर आएंगी सपना उसमें तो वो भी लोगों को बहुत पसंद आया और वो आई थिंक फाइव मिलियन के आसपास सॉन्ग पहुँच चुका है और मैं चाहता हूँ ऐसे ही आप उसको प्यार देते रहें आगे और भी सॉन्ग्स आ रहे हैं तो प्यार तेरी की तो बात कही गई है क्यों ना वसीम से ही दो लाइनें सुन लेते हैं उस गाने की क्योंकि आप सब भी जानना चाहते हैं वसीम उस गाने में तो खाकर तौर से काम कर ही रहे हैं लेकिन दो लाइनें अगर आप गा दें तो हमारे दर्शकों को तो बहुत अच्छा लगेगा उसी सॉन्ग से जी थोड़ा लक्कनुका मादे अगला दे अगिला दे जेड़ा कर दे वेटली नशाख चोपला दे ਖੋਲ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਨੂੰ ਸੰਡਲ ਉਤਾਰ ਸੋਣੀਏ ਖੋਲ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਨੂੰ ਸੰਡਲ ਉਤਾਰ ਸੋਣੀਏ ਨੀ ਆ ਜਾ ਨੱਚ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਨੱਚ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ ਆ ਜਾ ਨੱਚ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ ਪੱਬਾ ਪਾਰ ਸੋਣੀਏ ਨੀ ਆ ਜਾ ਨੱਚ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ ਪੱਬਾ ਪਾਰ ਸੋਣੀਏ ਨੱਚ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ ਪੱਬਾ ਪਾਰ ਸੋਣੀਏ ਨੀ ਆ ਜਾ ਨੱਚ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ ਪੱਬਾ ਪਾਰ ਸੋਣੀਏ ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਆਪ ਵੀ ਅਸੀਮ ਕੇ ਸਾਥ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ Songs में एक acting करने का आपको मौका मिला था यूं कहें कि बेहद खूबसूरत है है उसका कैसा रहा? बहुत अच्छा experience है। क्योंकि आप एक बार बिग बॉस कर लेते हैं तो उसके बाद फिर सारी चीजें आपको बहुत आसान लगने लगती हैं। से मिले है भाई <laughs> <laughs> बिल्कुल वो तो एक्साइटमेंट होती ही है और वो एक नशा ही हो जाता है कि हाँ भाई एक बहुत बड़ा ड्रीम लोगों का पूरा हो जाता है तो वही लक को तो मैं मानती हूँ <laughs> सर जैसे कि मेरे पहले तीन जो सॉन्ग आए हैं वो पार्टी सॉन्ग्स हैं तो शायद ऑडियंस को ऐसा लग रहा होगा कि आगे भी पार्टी सॉन्ग आएगा लेकिन नहीं हमने इस बार कुछ डिफरेंट करने की कोशिश की है इस बार हमारा सॉन्ग आ रहा है सैड uh, सॉन्ग तो ये मैं फर्स्ट टाइम आपके चैनल पे रिवील कर रहा हूँ कि मेरा सैड सॉन्ग आ रहा है और आई होप कि वो गाना सबको पसंद आएगा की तरफ ज़्यादा <laughs> बिल्कुल बिल्कुल और मुझे लगता है शायद जो पहले सॉन्ग्स आए उनसे भी ज़्यादा पसंद आए क्योंकि हमने कोशिश की है कुछ अलग करने की और बैक टू बैक सॉन्ग्स आ रहे हैं लॉकडाउन की वजह से ये डिले हो गया था उसके लिए सबसे मैं सॉरी कहना चाहता हूँ लेकिन अब हमारे जो हमारा काम था वो स्टार्ट हुआ है और बैक टू बैक आगे सॉन्ग्स आ रहे हैं बस आपका प्यार चाहिए अब